में जब बात महिला की होती है तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुत से विपक्षी दल बड़े आराम से अपना तर्क रखते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, शीला दीक्षित किस पार्टी की नेता थी जब हमारे देश में निर्भया जैसा घनिष्ठ अपराध हुआ था और उसके समर्थन में दिल्ली की लड़कियों ने जब मोर्चा निकाला था, कैंडल मोर्चा निकाला था, उस पर आंसू गैस फेंकवाने वाली और कोई नहीं, शीला दीक्षित की सरकार थी। जवाब दीजिए मुझे। और दूसरी बात, चुप रहिए, खबरदार। तभी पास को बनाता, तभी पास को बनाता। और सपा बसपा के नेता, मेरा एक एक जवाब हर पार्टी के लिए, सपा बसपा के नेता जिस पार्टी के सहिंसा बलात्कार जैसे घनिष्ठ अपराध को सही बताते हुए ये बोलते हैं कि लड़कों से जवानी में गलतियां हो जाती है, आज उसके उस पार्टी के समर्थक हमें महिला आरक्षण पे समझाएंगे? जी ठीक है जी। जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? मैं बनारस से आया। बनारस से, क्या नाम हो गया? अनिल कुमार श्रीवास्तव। अनिल कुमार श्रीवास्तव जी जनाब, आज महिला बिल की बात हो रही है, आज भाजपा मोदी सरकार के ही देन है, इससे पहले ही राशन कार्ड अगर बना है पूरे देश में तो महिलाओं के नाम से बना है, ये सरकार मोदी सरकार ने ही बनवाया। अगर आवास बना है मोदी सरकार ने बनवाया है, तीन तलाक अगर लड़ा है महिलाओं के लिए तो उनके अधिकार के लिए ये भाजपा और मोदी सरकार लड़ा है, और बिल भी पास किया तो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने किया। और ऐसे तो कोई भी कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आज खाली कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा चाहे कोई भी पार्टियां हो, सिर्फ 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 सुन लीजिए, सिर्फ 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 या दूसरे। सर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, अभी वो बीजेपी के प्रवक्ता से जी आ रहे, अरे अरे क्या हो जाता तुम्हें? नहीं नहीं ये कोई बात नहीं है, आप पैनल वाले से कुछ नहीं कहेंगे। तो मोदी रुको रुको रुको, हाँ क्या नाम है? सर सौम्या। सौम्या, बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है जी। सर मेरा सवाल है कि जैसे अभी ये वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं सर, जब सुरक्षा की बात आती है तब ये कहा जाते हैं अपनी बहन के लिए स्टैंड ले रही है, लेकिन देश की महिलाओं के लिए कब लेंगे? मणिपुर जैसा हादसा हो गया, कब स्टैंड लेंगे ये आप मुझे ये बता दीजिए। सर देश का जवान शहीद हो रहा है लेकिन मोदी जी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उस पर कब वो मुंह खोलेंगे? जी बिल्कुल ठीक है सवाल पूछा इन्होंने। हाँ जी आ गया। औरतों के प्रति जो है सम्मान का भाव रखना पड़ेगा। अंदर आओ ताकि औरतों को अंदर 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 आओ। हाँ जी, औरतों को पर्दे में रखने की जरूरत नहीं है, औरतों को पर्दे के अंदर रखने की जरूरत नहीं। क्या उम्र है बाबूजी आपकी? मेरी 72। 72 साल का व्यक्ति कहता है शो में कि औरतों को पर्दे में रखने की जरूरत नहीं, ये बदलता हिंदुस्तान है बेटा, बदलता हिंदुस्तान है, ये करवट ले रहा है। और ये जो कुछ भी लोग कुछ कहें मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। रुको, सवाल यह है कि 72 साल का व्यक्ति खड़े होकर सार्वजनिक स्थल पर कहता है शो में कि औरतों को घूंघट में रखने के या पर्दे में रखने की जरूरत। जो समाज जितना ज्यादा घूंघट में रखेगा पर्दे को, हाँ। वो उतना पीछे पिछड़ जाएगा। बिल्कुल सही सर। जब तक आप खुले नहीं रखोगे, देखो एक मिनट, शरीर ढकना अलग बात होती है लेकिन मुंह ढकने का मतलब है आदमी पर्सनैलिटी का पता कैसे चलता है, औरत का गुणों का। बाबूजी आप काम क्या करते थे? मतलब करते थे? सर मैं पहले आर्मी में था। आए, आए। आर्मी का आदमी कि शरीर ढकना तो कोई बात नहीं, शरीर ढका जा सकता है, लेकिन समाज यह है कि आप योग्यता को मत ढकिए, चेहरे से मतलब है योग्यता से, क्या योग्यता से, विचार को मत ढकिए, विचार को सामने आने दीजिए। एक एक बड़ी बड़ी शॉर्ट चीजें लोगों से और पूछेंगे। बाबूजी आपका नंबर कतई नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि पूरी तरह से 33% नहीं, मैंने 50% यहाँ पर रिजर्वेशन दे दिया। तो आप बैठिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, देन बीजेपी। जी हाँ, तो तभी तो कहा आपने, आपने कहा वही लागू किया मैंने। आ गया ये जी, ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला आरक्षण रोको बिल है, और इसके लिए आरक्षण रोको, महिला आरक्षण रोको बिल है। इसकी जो अभी की रूपरेखा है 2039 के पहले ये इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है। इसके लिए आप खूब सारे यूट्यूब चैनल वगैरह जो भी खोल के देखना देख लीजिए, शांत रहिए, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। महिला को बोलने दीजिए, महिला को बोलने दीजिए। यहाँ पे ज्यादातर पुरुष खड़े हैं, अब मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, उनके बदौलत में खड़ी हूँ, और मैं आज खड़े होकर के कह रही हूँ कि मोदी सरकार धोखा कर रही है महिलाओं के साथ। बिल्कुल भी इसमें नहीं फंसिएगा, महिला आरक्षण, ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कल आ जाएगा, जैसे ही बिल पास होगा, ऐसा नहीं है। बिल की रूपरेखा ऐसी है 2030।
ये बिल्कुल वैसे ही एक सांस में बोला था इन्होंने कि इस धोखे में मत रहिएगा, बस एक बार मुझे चुन के लाइए, लोकपाल बिल पास हो जाएगा। ये मेरा शो ही ऐसा है, इसमें मैं क्या करूं। अगर मैंने नहीं बोला होता तो ये सामने वाला जो मेरे तरफ आंखें डाल के कहता है महा के झुट्टे एंकर खड़ा है, महा का झुट्टा एंकर खड़ा है, ये महा का झुट्टा एंकर है। अगर नहीं नहीं ऑफकोर्स यू हैव अ फुल राइट टू से, ऑफकोर्स मैंने बीच में लेट होगा, यू हैव अ फुल राइट टू से, आपको आप अपोजिशन है, आप नहीं कहेंगी उसमें कमियां नहीं उठाएंगी तो कौन जी प्लीज कांग्रेस जी। देखिए बिल्कुल मैं सहमत हूँ, ये जो टॉफी दिखा दी गई है जिसको आप खा नहीं सकते उसको देख के खुश होते रहें, इतने समय में 9.5 साल तक इन्होंने इस पे इनके खुद के घोषणा पत्र में शामिल था और इन्होंने उसके बाद उसके कोई कार्रवाई नहीं करी गई, तो बिल्कुल ये टॉफी पकड़ाई गई है, चुनावी झुंझुना है, लोग हाथ में पकड़ के बजाते रहें। और मैं कुछ ट्वीट्स बताना चाहूंगी अमित मालवे की, हमें जो इन्होंने किया है, सोनिया जी होल्डिंग द नेशन टू रैमसन टू फुलफिल हर एजेंडा टू सी द वुमेन रिजर्वेशन बिल थ्रू, विल हर एमपी स्टैंड अप फॉर हिट। दूसरा वो कह रहे हैं 2014 में, डियर वुमेन राहुल गांधी थिंक्स ऑफ यू, यू नीड 12 सिलेंडर्स एंड 50% रिजर्वेशन, टू बैड ही कुड बी द पीएम। तो ये ट्वीट के बाद में इस तरीके की बात कर रहे हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल जरूर पास होगा, इसकी जरूरत है, देश में शुरू से मांग चल रही है क्योंकि आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए, आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए। स्वाति मैंने बीच में हाथ उठा दिया इसलिए इसका जी। जब इस बिल को पेश किया जा रहा था तो दिवंगत नेता शरद यादव जी का बयान, जो आपके इंडी गठबंधन का घटक दल है, वो दल पर कटी लड़कियां औरतें अगर मैं कह रहा हूं वो सबको मालूम है, उसको छोड़ देता हूं, अच्छा नहीं है, नॉट इन अ गुड टेस्ट। मैं रिलेट करना चाहूंगी, ठीक है, उन्होंने, मैं पूरा सेंटेंस नहीं बोलती हूं, उन्होंने जो शब्द यूज किया था, पर काटने का काम तो 76 सालों से हो ही रहा है और उससे पहले जिन लोगों ने किया वो उन लोगों ने तो किया ही किया, बस ये बात बोलने के लिए मैं ये बात बोलना चाह रही थी। और एक राजनीतिक दलों के अलावा ये बिल तो डेफिनेटली पास होगा और इनकी मंशा अगर 2010 में पास कराने की होती तो इनका मैंडेट था, ये लोकसभा में पहले क्यों नहीं लेकर के आए, ये पहले राज्यसभा में क्यों लेकर के गए, इनको ये था कि राज्यसभा में बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी और बिल वहीं गिर जाएगा, लेकिन वहां चाल पड़ गई उल्टी, बीजेपी ने कर दिया सपोर्ट, राज्यसभा में तो पास हो गया और अपने घटक दल लोकसभा में। राहुल जी वेरी क्विक, पुरुष की आवाज महिलाओं के लिए। महिला आरक्षण बिल बिल्कुल होना चाहिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूं आपके कार्यक्रम में, क्योंकि इसके क्रांतिकारी प्रभाव जो हम लोग सोच रहे हैं उससे भी 1,00,000 गुना ज्यादा ही जाएगा प्रभाव उसका। अच्छा, ये उस प्रकार का चीज है, लेकिन इसमें विलंब की स्थितियां जो सरकार ने कई किंतु परंतु लगाए हैं वो किंतु परंतु हटाइए, दिल खोलिए और 2024 के लोकसभा चुनाव से ही इसका शंखनाद कर दीजिए। जी वेरी गुड, तन्वी चतुर्वेदी। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बिल के माध्यम से जो आवाजें चार दीवारी में बंद थी उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे बोलने का, और गए वो जमाना जब लोग कहते थे कि जागेगी भी जागेगी नारी शक्ति जागेगी, अब वो जमाना है जब लोग कहेंगे जाग गई भाई जाग गई नारी शक्ति जाग गई। बहुत सारे सवाल आपकी तरफ, आपको भी बोलना है कुछ सोच। हाँ जी पहले आपकी आवाज, ये सब पुरुष वाली आवाज बाद में आऊंगी, अंदर आगे अंदर आइए। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। क्या करती हैं आप? मैं भी आपके क्षेत्र से हूँ। अच्छा, मैं पत्रकारिता करती हूँ किसी चैनल में? जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे और आइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे नहीं मालूम आप कितनी देर से यहाँ खड़ी थी, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ क्या तब्दीलियां आप समझती हैं, आप क्योंकि जर्नलिज्म के फील्ड में है, टेलीविजन में, मैं चैनल नहीं पूछ रहा आपसे, आप क्या सोचती हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं जो हैं वो मजबूती का केंद्र बने, ना कि आकर्षण का केंद्र। लोगों की ये मानसिकता होती है जब हम उन्हें क्षेत्र में उतारते हैं तो अरे महिला खड़ी है वोट मिलेगा, सारे लोग वोट देंगे, अच्छा आप जीतने के चांसेस कम है, अरे पत्नी को उतारो देखो वोट मिलेगा, मजबूती का केंद्र बने। एक मिनट बेटा, इधर कौन बोला कि बहुत बढ़िया बोल रही है? सही, एकदम सही। ये आपने जो मर्दों की साइकी है ना उसको हिट कर दिया है, ये बिल्कुल सच है जी। तो वही बात है कि आकर्षण का केंद्र ना बने, मजबूती का केंद्र बने, और अगर ये बिल इस नजरिए से पास हो रहा है तो इसका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये बात सच है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिला आकर्षण का केंद्र बन जाती है, लेकिन सच ये है कि उसके अंदर उसकी जो मेधा है, उसकी जो शिक्षा है, उसका जो विचार है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो बहुत अहम है। जी नीति,
जी यही सोच जी खूबसूरत कोई दूसरा आकर्षण है भी नहीं। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए इस धरा की सृजन करने की जो एकमात्र ताकत है वो नारी के पास है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि एकमात्र लोकतंत्र है जहाँ पे भूमि को माँ की संज्ञा दी जाती है, नमो वत्सले मातृभूमि की संज्ञा दी जाती है, वही भाव होना चाहिए। बिल से अलग मैं सारे पुरुषों से बात करती हूँ कि आप अगर पंडालों में जाके दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको उसी उसी भाव से हर महिला और माँ को, हर बेटी को, हर बहू को देखने की आवश्यकता है। और इस बिल के माध्यम से जो ताकत, जो मजबूती उन महिलाओं को मिलेगी जिसके जिनके अंदर योग्यता है, जिनके अंदर सक्षमता है, वो जब आगे आएंगी तो देश दोहरी ताकत से आगे बढ़ के सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। विष्णुप्रिया मैं भी यही बात बोलनी चाहूंगी जो इन्होंने बोली थी कि देखिए आप ले तो आए हैं रिजर्वेशन बिल, बट एक बात बताइए, एक साल लगेगा जनगणना में और उसके बाद चलिए और मेरी तो काउंटिंग ही बढ़ा दी इन्होंने, और उसके बाद डीलिमिटेशन में भी मिनिमम दो साल तो लगेंगे। इस इलेक्शन में यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या इस इलेक्शन में विमेन्स को 33% मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। बीजेपी में आ रहा जी। देखिए काफी सारी पार्टियों का आपने बातें सुनी और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, हम वो पार्टी हैं जो कहते हैं वो करते हैं, अभी तक जो कहा है वो किया है। राम मंदिर बनाने का प्रॉमिस किया था, बनाया है। 370 हटाने का प्रॉमिस किया था, किया है। अब ये सोच लीजिए, महिलाओं के लिए बात करते हैं, सिर्फ आज से नहीं काम कर रहे हैं। जब शौचालय बनाया था तब भी पार्लियामेंट में विरोध चल रहा था, अरे भाई शौचालय क्यों बना रहे हो, वो भी महिलाओं के लिए बनाया था। जब फ्री सिलेंडर देने की बात चली तब भी हम ये योजना लेकर के आए थे, क्योंकि वो चूल्हे पर जब वो असल में कहना ये गांव से नहीं आते तो इन्हें पता नहीं है, मुझे पता है। जब गोसे लगा करके चूल्हे के अंदर माएं फूकनी से जब रोटियां जला के और अपनी आंखें जला करके रोटी बनाती थी, और इनके समय में एक नीले रंग का शीट आती थी जिसको MP कोटे से अप्रूव करवाना पड़ता था, तो मैं कहता हूं इनकी बातों में मत आना। मैं कहता हूं मैं उस पार्टी से हूं। देख 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 देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं उस पार्टी। असल में क्या था कि इसमें आदमी एक ही था और उसके कान मुझे उमेठने थे, वो उमेठ नहीं पाया, इसलिए सारे लोग हल्ला मचा। तो मैं समझ गया इशारा किसकी तरफ कर रहा हूं। तो मैं फिर वही कह रहा हूं, मोदी जी कहते हैं कि